हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिजीत किशोर आपको अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। वेलकम टू टारगेट 100। देखिए दोस्तों, आज हम चैप्टर इनवर्स त्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन के टिप्स। अब चैप्टर का नाम ही सबसे आपको पता लगता होगा कि नाम ही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके मतलब यह त्रिकोणमिति पर ही क्वेश्चन आधारित होगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। आपको त्रिकोणमिति पहले हम साइन इनवर्स साइन से चालू करते हैं। तो इसके देखिए लिखा गया है पहले ही प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब इनवर्स। तो हम साइन इनवर्स से चालू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। मान लीजिए पहला साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स मान लीजिए हम साइन इनवर्स एक्स लिख दिए। तो साइन इनवर्स एक एक्स एक ऐसा फलन है फिर एक बार आपको समझा देना चाहता हूँ दोस्तों। साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है, इसलिए आपको धीरे धीरे लिखा जा रहा है दोस्तों कि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जिसके जिसके अनंततः, देखिए दोस्तों इसलिए आसानी से कहीं भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसके अनंततः अनेक मान होते हैं। पहले दोस्तों इस समझिए, एक प्रकार का थ्योरी है जिसे हम इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि यह चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति तो मान लीजिए साइन इनवर्स से और साइन कॉस टेन लॉग तीन कद का तो प्रयोग करना ही होगा दोस्तों। इसलिए देखिए एक बार और आपको दोहरा देना चाहता हूँ, साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जिसके अनंत अनेक मान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब साइन इनवर्स का मुख्य मान दूसरा बिंदु। अब दूसरा बिंदु आपको बता देना चाहता हूँ, साइन इनवर्स का मुख्य मान, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -1 तथा +1 के बीच होता है, -1 तथा +1 के बीच होता है। देखिए दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान माइनस तथा प्लस वन के बीच दिए हुए एक्स के मान के लिए, एक्स के मान के लिए साइन इनवर्स एक्स का वह मान। इसलिए देखिए दोस्तों इसलिए हम धीरे धीरे लिख रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आए। वह मान जो -π/2 तथा +π/2 के बीच होता है, देखिए दोस्तों एक बार आपको फिर दोहरा देना चाहिए, -1 तथा +1 के बीच दिए हुए एक्स का मान के लिए साइन इनवर्स एक्स का मान वह मान जो -π/2 तथा +π/2 के बीच होता है मुख्य मान कहलाता है। मुख्य मान कहलाता है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द और बता देना चाहता हूँ। अब कि अगर कोई भी सवाल इस चैप्टर का हमें करना है तो हमें सूत्र के आधार पर करना है। तो मैं आप लोगों को पहले सूत्र को अर्थात हर फार्मूले को डिराइव करा देना चाहता हूँ दोस्तों। और मान लीजिए साइन इनवर्स अगर आपसे कह दे कोई कि
देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स पढ़ा जाता है। अगर आपसे कोई कह दे तो देखिए दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स। देखिए दोस्तों, जैसे हम आपको ये बताए देना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, लेकिन वन अपन साइन एक्स इक्वल टू, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा, साइन वन अपन साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो यदि यदि मान लीजिए वाई इक्वल टू साइन एक्स, तब क्या होगा दोस्तों, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। यदि एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई है, तब क्या होगा दोस्तों, y इक्वल टू साइन एक्स। सिंपल, अर्थात दोस्तों, हम कह सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स y। समझे दोस्तों? अगर कहीं नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। अगर चलिए दोस्तों, मैं आपको अब ये बात, एक और सूत्र डिराइव करने की बात है, तो हम सूत्र डिराइव करने चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, tan inverse x plus y अपन वन माइनस एक्स वाई। अर्थात हम कह सकते हैं एक्स वाई इज देन वन। देखिए, तब हम मान सकते हैं, मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दो दिया था, उसमें भी बताया था, लेकिन मान लीजिए इसको थ्योरम फर्स्ट मान लीजिए दोस्तों। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई होता है दोस्तों। तो देखिए, मैं पहले टेन इनवर्स एक्स को ले लेता हूँ, टेन इनवर्स एक्स। अब हम मान लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए लिखा है दोस्तों, और टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बी लिखा है, तो हम एक्स इक्वल टू टेन ए कह सकते हैं दोस्तों, एक्स इक्वल टू टेन ए कह सकते हैं, तथा वाई इक्वल टू टेन बी तो कह सकते हैं दोस्तों। ये भी देखें, जब हम एक्स इक्वल टू टेन ए कह सकते हैं तो वाई इक्वल टू टेन बी। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो फिर एक बार देखें, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए लिखा है, तो एक्स इक्वल टू, अगर टेन इनवर्स को अगर हम इधर करते हैं तो प्लस में आ जाता है दोस्तों, आपको याद होगा या आपने तीन क्लास में यह पढ़ा होगा। तो एक्स को अगर टेन इनवर्स को एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स को इधर लेते हैं तो टेन ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वाई इक्वल टू यहाँ टेन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं, इसलिए तो हम जानते हैं दोस्तों कि टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए दोस्तों, अब ये सूत्र हमको याद करने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों देखिए, हमने ये क्लास दस में हम ये सब सूत्र पढ़ चुके हैं, इसलिए दोस्तों ट्वेल्थ क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको पहले सूत्र डिराइव करा देना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर एक बार दोस्तों, टेन ए प्लस बी
इक्वल टू 10a + 10b / 1 - 10a × 10b। तो देखिए दोस्तों, अब कितना सिंपल है यह डिराइव करना। 10 tan a इक्वल टू दोस्तों मैं क्या लिखा हूँ, x। 10b इक्वल टू क्या लिखा हूँ दोस्तों, y। और यहाँ देखिए दोस्तों, 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 10 tan a है दोस्तों, ये तो 10 a इक्वल टू x, यहाँ इंटू है दोस्तों, 10b इक्वल टू y। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल हो गया, x + y / 1 - xy हो गया दोस्तों। अब यहाँ हम देखते हैं ये इसी आधार पर दोस्तों, अभी कुछ हमें करना नहीं है, केवल समझना है दोस्तों, उसके बाद आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। a + b, अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, a + b, यहाँ लिखा है 10a + b, तो a इधर a + b, और 10a को दोस्तों मैं इधर कर देता हूँ, अर्थात इस साइड ले जाता हूँ। तो 10a को अगर इस साइड लाऊँगा दोस्तों, तो 10 tan inverse हो जाएगा, और ये लिखा है x + y / 1 - xy। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 10a + 10b, तो 10a इक्वल टू यहाँ कितना लिखे हैं दोस्तों, a इक्वल टू कितना लिखे हैं दोस्तों, 10 inverse x, 10 inverse x। b इक्वल टू कितना है दोस्तों, 10 inverse y। और देखिए दोस्तों, ये लिखे हैं 10 inverse x + y, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे दोस्तों, 10 inverse x + y / 1 - xy। देखिए दोस्तों, मुझे क्या प्रूफ करना था, 10 inverse x + 10 inverse y। देखिए दोस्तों, हमको क्या प्रूफ करना था, 10 inverse x + 10 inverse y = 10 inverse x + y / 1 - xy। तो देखिए दोस्तों, मैंने कैसे किया, 10 inverse x = a मान लिया, 10 inverse y = b मान लिया, x = 10a तथा y = 10b। तो 10a + b का हमें सूत्र जानते ही हैं कि 10a + 10b / 1 - 10a × 10b होता है। तो 10a = x लिखे हैं, 10b = y लिखे हैं दोस्तों, 1 - x × y, सेम प्रोसेस 10a। तो फिर देखिए दोस्तों, a + b, 10 को इधर लाए तो 10 inverse हो गया x + y / 1 - xy। तो 10 inverse x + 10 inverse y = 10 inverse x + y / 1 - xy। देखिए दोस्तों, पहला सूत्र डिराइव हो गया। ठीक इसी प्रकार मैं भी, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को करने के लिए दोस्तों, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को कीजिएगा, हमें आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों, और पहले आप और क्वेश्चन आप लोगों को डिराइव करा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक ही साथ 2-3 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों सेकेंड नंबर थ्योरम दोस्तों। cot inverse x + cot inverse y = होता है दोस्तों, cot inverse xy - 1 / y + x। ये भी क्वेश्चन दोस्तों ठीक उसी प्रकार है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, cot inverse x + cot inverse y = cot inverse x - y / y + x, इसको दोस्तों आप लोग प्रूफ करिएगा और डिराइव करिएगा, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा। चलिए दोस्तों, थ्योरम 2 है, इसीलिए आपको एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी बेसिस का, इसी बुक का है। अगर यह क्वेश्चन आगे करने दोस्तों, तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन सब क्लियर हो गए, और जो क्वेश्चन क्लियर ना हो उसे हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें और तुरंत आंसर हमारे द्वारा प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, अब दूसरे आपको दूसरा बताता हूँ दोस्तों। चलिए अब sin inverse x, इसको मान लीजिए थ्योरम 2 दोस्तों, sin inverse y = sin inverse x√(1 - y²) + y√(1 - x²) होता है दोस्तों। यह आपको तो सूत्र पता ही होगा, लेकिन मुझे डिराइव करना है। मैंने आपको बताया दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपको डिराइव कराऊंगा, उसके बाद ही सवाल कराऊंगा आप लोगों को दोस्तों। तो देखिए, फिर वही सूत्र लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए होता है दोस्तों, और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी होता है दोस्तों। एक्स इक्वल टू साइन ए तथा वाई इक्वल टू साइन बी, वाई इक्वल टू साइन बी हो गया दोस्तों। तो हम जानते हैं दोस्तों कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिंपल दोस्तों, इसको हम क्लास टेंथ में इस सूत्र को पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसलिए इस सूत्र पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस सूत्र पर ही ये सवाल का डेरिवेशन है। तब देखिए दोस्तों, साइन ए तो साइन ए लिख दिए दोस्तों, साइन ए, और कॉस बी है दोस्तों, तो कॉस बी को क्या लिखेंगे दोस्तों, वन माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक उसी प्रकार इसको देखिए, कॉस ए है दोस्तों, कॉस ए है दोस्तों, तो कॉस ए को ठीक उसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों। देखिए कॉस ए इंटू साइन बी है दोस्तों, तो मैं साइन बी को पहले लेता हूँ क्योंकि सवाल करने में आसानी आएगी दोस्तों। तो कॉस ए है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी को ऐसे कर देंगे दोस्तों इधर, और साइन इधर है तो इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स हो जाएगा दोस्तों। और फिर देखिए क्या करना है दोस्तों, वन माइनस साइन इनवर्स वन माइनस साइन स्क्वायर बी अंडर रूट में है दोस्तों साइन ए, तो साइन ए इक्वल तो हम पहले ही यहाँ एक्स लिख दिए हैं दोस्तों, और वन माइनस साइन, तो वन को वन ऐसे रख दें, और साइन बी का दोस्तों होता है वाई, तो यहाँ स्क्वायर हो दोस्तों तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, केवल इसे ध्यान से देखें, साइन बी तो साइन बी इक्वल टू लिखे हैं दोस्तों साइन इनवर्स वाई, साइन बी दोस्त इक्वल टू लिखे हैं दोस्तों नहीं दोस्तों, देखिए साइन बी इक्वल टू वाई है दोस्तों। अब फिर देखिए अंदर उतने वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए इक्वल टू कितना है दोस्तों, साइन ए इक्वल टू एक्स है, तो स्क्वायर है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमें क्या प्रूफ करना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंदर उतने वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंदर उतने वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, मैं प्रूफ कर दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स अंदर उतने वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंदर उतने वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, साइन ए प्लस बी है तो ए इक्वल टू कितना है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। बी इक्वल टू कितना है दोस्तों, साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, सिंपल दोस्तों, ये देखिए एक्स अंदर उतने वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंदर उतने वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों, ये देखिए ये भी आपका प्रूफ हो गया दोस्तों, ये भी डेरिवेशन प्रूफ हो गया दोस्तों। अब देखिए अगला बताने जा रहा हूँ, और ठीक सोच रहा हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों, जो आप समझ ले इसको ठीक उसी प्रकार, लेकिन आप जरूर इसको करके लाएं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसको एक बार अपने मन से रिवाइज करें, अगर ना आए तो फिर मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंदर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंदर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दोस्तों आप डिराइव कीजिएगा, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा कि कैसे यह क्वेश्चन आया। अगर अब मैं दोस्तों, अब जो अगला डेरिवेशन है उसको मैं अगले आज शाम को अपलोड कर दूंगा उस वीडियो में। अगर दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं और किस क्लास का पढ़ना चाहते हैं, ये भी कमेंट करें। अगला वीडियो आज ही शाम तक अपलोड होगा, इसलिए हमारे टारगेट 100x100 क्लासेस को कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे इस डेरिवेशन में विदा लेता हूं, और अगला क्वेश्चन मैं आपको आज शाम को
अपलोड कर दूंगा दोस्तों वीडियो। इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स दोस्तों।